और जस्ट लाइक ये जो फीलिंग आ रही है ऐसा देती है ना, जैसा वो होता है मगरमच्छ। रेसिपी है, मम्मी बना रही है, देखो ये पूरा ना अंदर का कुकर निकाल लिया। हे सभी को राम राम। तो जैसा कि आज का जो व्लॉग है मैं ओवर वो कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसमें, ऐसा क्यों है उसका रीज़न ये है कि भाई मैं जस्ट ना आज बारिश का मौसम है और कुछ इस टाइप से बारिश पड़ रही है, मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मैं खाली बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या चीज़ करूँ क्या करूँ, तो फिर मेरे को ना बस बैठे बैठे मैं सेंटर पर जस्ट बैठा हुआ था, आपको बताइए मेरा खुद का साइबर कैफे और सेंटर है, तो यहाँ पर वैसे भी गर्मी इतनी हो रखी थी, बारिश उमस के जस्ट लाइक उमस हो रखी है, तो उस चीज़ चलते मैं सोच रहा था मतलब कुछ रिकॉर्ड बना रहा था। देन उसके बाद यार दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए, क्योंकि बैठे बैठे सोशल मीडिया पे तो एकदम से क्लिक हुआ माइंड, और मैंने सोचा चलो ठीक है आज ना यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कि फेमस कैसा हो जाए। तो भाई जैसे ही मैंने गूगल स्टार्ट किया, आप भी जानते हो कि भाई गूगल पे ना एक भी चीज़ सर्च करने में तक सोच लग जाता है, और रैंडमली हमें वीडियो में ऑलरेडी देख रहा था, फिर मैंने इसमें देखा कि हाउ टू गेट फेमस इन ऑन यूट्यूब, तो भाई मतलब इतना कुछ आइडिया क्लिक हो रहा था, इतना सब कुछ आ रहा था कि भाई आप भी जानते हो कि आज के टाइम में देखो हर कोई चाहता है, अगर जस्ट लाइक मेरे जैसा यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हो, या पहले तो मैं यूट्यूबर नहीं बना लिटरली बोलूँ तो, मैं बस अपना कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता रहता हूँ, तो वो चीज़ है। तो भाई मैंने इसमें देखा इतना कुछ था ना, इतना कुछ था भाई, मैं तो शॉक्ड हो गया कि मतलब लोग ऐसे ऐसे चीज़ें भी करके फेमस हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी भाई, मैंने फिर और अनदर चीज़ें सर्च करी, मैंने कुछ और देखता हूँ कुछ और देखता हूँ कुछ और मिलता है कि भाई और कैसे इजीली शॉर्टकट तरीका हो सकता है कि जिससे कोई वीडियो वायरल जाए, वो वाली चीज़ जाए, क्योंकि आपको पता है मैं सेकंड चैनल पर काम करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा तो भाई सेकंड चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और भाई मैं बैठे हुए भाई मैं थक चुका था, फिर मैंने मारा फेंक के सिस्टम कि भाई मैं क्या करा जाए, तो खाली सिस्टम बैठा हुआ था, फिर सेकंड चीज़ में एकदम से आइडिया क्लिक हुआ, चलो ठीक है वहाँ पर फ़ोन करता हूँ क्योंकि गाँव में, फिर मैं निकलता हूँ गाँव की तरफ। तो मैंने जैसे देखा तो भाई चलो ठीक है, अब उनसे बात हो गई थी चैट पे, तो मैंने उन सबको बोला भाई लोगों की भाई चलो ठीक है मैं गांव आ रहा हूँ, और उसके बाद सीधा मैं निकलता हूँ फिर ठाकुर द्वारा गांव की तरफ अपने सीधे। ये है ठाकुर द्वारा की मार्केट, और जस्ट मैं और गोलू और अनिकेत हम तीनों आए हैं बाइक पे ट्रिपलिंग करते हुए, ठीक है, और मौसम हो रहा है कुछ हो रहा है मौसम, और शाम में हम जाएंगे, अभी तो खुला नहीं है मार्केट, आज बृहस्पति है ना, खुलती मार्केट सील डाल दे सीधे, आज नहीं खुलती। अच्छा बृहस्पति भाई यहाँ की मार्केट रहती है बंद, बस छोटी छोटी दुकान देख सकते हैं, कोई ओपन हो सकती नहीं हो सकती है, ये नगर पालिका वाला एरिया है ठाकुर द्वारा का, दुकानें लगनी स्टार्ट हो गई छोटी छोटी, काफ़ी सही मार्केट है भाई यहाँ की। आगे भाई दुकान, अरे आगे दुकान है, मैं बता दूंगा कहाँ है, अरे मुझे पता कहाँ है यार, वैसे अगर मिल गई तो, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था, अरे सामने है तो उससे ले ले, थोड़ा महंगा देखो ये है 94.97 वहाँ पे 93.27 ₹200 का डिफरेंस है, 101। हाँ नहीं नहीं वो तो वो है ना एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा तो 101 है, लेकिन जो नॉर्मल है पेट्रोल ये 94.97 है ना, वहाँ पे 93 है, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, हाँ डिफरेंस बहुत है यार। चलो ठाकुर द्वारा है, कुछ चीज़ें सस्ती हैं कुछ महंगी भी हैं, गलत ना भैया, सामान तो सस्ते मिलते हैं, कपड़े लत्ता सब कुछ सस्ता है, वो काशी में महंगे हैं यार, सच्चाई है। देखो भैया रिप्लाई कर रहे हैं स्माइल करते हुए, ये क्वालिटी तो हर चीज़ की है, क्वालिटी तो है, कपड़े महंगे मिलेंगे क्वालिटी भी तो बढ़िया रहेगी। मैं और अभी ना घर पर बैठा हुआ था, देखो मम्मी बना रही भरमा करेले, और भरमा करेले कुछ ऐसा कि मसाला तैयार कर लिया, मसाला जो तैयार करा ना मम्मी ने वो पहले से कर लिया था, ठीक है कढ़ाई में, और ये है करेले, जो करेले के अंदर का जो माल होता है ना, कुछ टाइप से ये खुकल कर दिया गया है, और जस्ट लाइक ये जो फीलिंग आ रही है ऐसा देती है ना, जैसा वो होता है मगरमच्छ, तो करेले की फीलिंग वैसे आती है, इसका अंदर का जो पूरा कोन टाइप का बना दिया है, मसाला रेडी है, और जैसे भर रही है ऐसे कोन भरती जाती है, और देखो कुछ ज़्यादा ही, ये देखो ये स्टाइल से बिल्कुल ठोस ठोस से भरे जा रहे हैं, और ये इसका जो स्वाद है ना, कहना मीन्स है कि करेला जो बनाने का तरीका ऐसा है ना, वो उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें तो भर खाने आते नहीं करेला, हम खाते नहीं, तो मम्मी ने नए स्टाइल से तैयार कर दिया कि लो भैया तुम ऐसा ज़रूर खाओगे, और यही तरीका है खाने का सबसे बेस्ट, और देख सकते हो भाई किस टाइप से भरे जा रहे आया है, मज़ा आ जाएगा भाई जब बन जाएंगे ना, उसके बाद दिखाऊंगा कि कितने टेस्टी बनते हैं, मज़ा बहुत आता है खाने में, मौसम वैसे गर्म आ रहा है, और देखो ये देखो ऐसे भर रही है, देखो ये बहुत ठोस भरे जा रहे हैं, देखो ये रेसिपी है, मम्मी बना रही है, देखो ये पूरा ना अंदर का कुकर निकाल लिया करेले का, और मम्मी ने करा मसाला रेडी, और ये मसाला कुछ इस टाइप से भर रही है इसके अंदर, और देखो ये भरने के बाद देखो इस टाइप से भरमा, और इसको बोलेंगे हम भरमा करेले, तो अगर किसी ने खाए हो तो बताओ, और नहीं खाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये नया तरीका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे को करेले पसंद नहीं है, तो अगर जिनको करेले पसंद नहीं है वो ऐसे करके इसको इसका अंदर का माल निकाल के इस टाइप से मसाला रेडी करके और भर के बना सकते हो, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे करते हैं करेले खाते नहीं है, और ये नया तरीका भाई करेले को खिलाने का, और इसके बाद जो स्वाद आता है मज़े ही मज़े।